जो हम लोग काम करते हैं जो एक्शन करते हैं इज नोन एज वर्ब्स लाइक ड्रिंकिंग ईटिंग स्लीपिंग वर्किंग है ना तो so ये सब हमारा हो गया वर्ब एंड चैप्टर नंबर नाइन इज अबाउट इज एम और आर तो इस कब डालते हैं जब हम वन पर्सन कोई भी सिंगुलर वन पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में बात करते हैं देन वी पुट इस तो एम कब डालते हैं एम जब हम खुद के बारे में बात करते हैं लाइक आई आई जब यूज होता है तब हम डालते हैं एम ए एम एम एन आर भी यूज करते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तब हम आर डालते हैं ठीक है so, सो इसके अंदर जो एक्सरसाइज थे वो आपके एग्जाम में आने वाला है आई हैव गिवन सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक है सो नंबर वन इज अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अभी आपको अंडरलाइन करना है वर्ब को कौन से वर्ब कौन सा है सो so, उसको अंडरलाइन करके आपको वहां पे शो करना है सो नंबर वन इज मिसिस मेहता टीच अस इंग्लिश सो मिसेस मेहता क्या कर रही है पढ़ा रही है तो so, इसमें एक्शन क्या हो गया हमारा टीच तो टीच को हम लोग को करना है अंडरलाइन नंबर टू अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड फार्मर क्या कर रहा है काम कर रहा है फील्ड में है ना सो so, यहाँ पे यहाँ पे वर्ब क्या हो गया वर्क ये वर्क को आपको करना है अंडरलाइन ओके सो वैसे ही सिमिलर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं नंबर टू इज टिक द सुबल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अब आपको टिक करना है सुटेबल वर्ब्स आपको फॉलोइंग सेंटेंस में ठीक है ब्रैकेट दिए गए उसमें से टिक करना है नंबर वन हॉर्स बेयर्स और गलब्स इन द फील्ड तो हॉर्स क्या करता है जंप है ना यानी आवाज क्या करता है आवाज तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लब्स इन फील्ड नंबर टू साहिल और साहिल क्या करता है खेलता है, है खेलता है ना? तो साहिल प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग तो उसको आपको टिक कर देना है ठीक है ना कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इज एम और आर अब आपको यहाँ पे करना है ब्लैंक को वहां पे या तो इस लगेगा एम लगेगा या फिर आर लगेगा सो फर्स्ट वन यू डैश ड्रिंकिंग और